नमस्कार, स्टार सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है जनकपुरी में सुमन गुप्ता जी के घर में। उनको CTI के तरफ से नेशनल लेवल का अवार्ड मिलने वाला है। आइए हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और देखते हैं वो कितने उत्साहित है इस अवार्ड को लेकर के। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड को लेकर के। थैंक यू विशाल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विशाली, मैं सच में इस अवार्ड को लेकर के बहुत उत्साहित हूँ और मैं आभार व्यक्त करती हूँ CTI का, जिन्होंने मुझे इस नेशनल लेवल के अवार्ड के लिए चुना है और मुझे इस सम्मान के लिए नवाजा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मालविका जी का और नेहा टंडन जी। मैम, आप एक सफल बिजनेस वूमेन भी है और आपका खुद का एक मीडिया हाउस भी है और आप घरेलू महिला भी है और साथ में आप समाज सेवा भी कर रही है, तो इतना कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती है और इसके पीछे आपकी प्रेरणा कौन है और कैसे आपको प्रेरणा मिली इन सब चीज़ों की? हाँ विशाली, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन एक में मिक्स हो गए हैं। एक्चुअली प्रेरणा तो मैं खुद की, अपने आप को खुद को ही मानती हूँ। एक्चुअली ये वक्त और हालात ने सिखाया। जब मैं 14 साल की थी तो माता पिता और इकलौते भाई को और एक बहन को रोड एक्सीडेंट में ख़त्म, मतलब खो दिया था। उसके बाद समाज ने इतना कुछ दिया, कुछ अच्छे और बुरे मुझे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से आगे बढ़ने की खुद भी प्रेरणा मिलती चली गई। एक अच्छे परिवार से हूँ तो ऑफकोर्स लगता था, बनी हुए खानदान से हूँ तो लगता था कहीं ना कहीं फिर मुझे अपना बिजनेस को या अपने और कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ाती चली गई। मैंने अपना ऑरा एक्सपोर्ट हाउस खोला, बालाजी एक्सपोर्ट हाउस खोला, देन SRL मीडिया हाउस खोला और इस कदम के चलते चलते ही अचानक से ही फिर मुझे लगा कि आई थिंक ये बिजनेस तो हम बनियों का शुरू से एक बिजनेस रहा ही है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, तो मुझे समाज के लिए कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं पर मेरा साथ दिया मेरे कुछ वक्त और हालात ने। और ऐसे में मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अरविंद भाई से, तो मैं 2014 में अरविंद भाई को मैंने देखा था अन्ना आंदोलन के टाइम पर, तो तब भी मुझे इतना नहीं लगा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन 2015-16 में जब निर्भया कांड हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि समाज के लिए मुझे कुछ ऐसा महिलाओं के लिए करना चाहिए जो वो आगे तक पहुँचे। बचपन से समाज सेविका रही हूँ, समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रही हूँ। स्लम में मैंने अक्सर बच्चों को गाने सिखाए म्यूज़िक से, क्योंकि गंधर्वा से कोर्स किया था मैंने म्यूज़िक का, माँ मेरी म्यूज़िक टीचर थी। और इसके अलावा स्लम के बच्चों को पढ़ाती रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट की, ताकि मेरे को इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ करने का जो मुझे मेन जो मुझे उद्देश्य मिला, प्रेरणा मिली, वो मुझे मिली अरविंद जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, क्योंकि मैंने उनको लड़ते हुए देखा फीमेल्स के लिए। तो ऑफ कोर्स मुझे लगा कि हमें भी कुछ अपना, अपने लिए ही हमें कुछ करना चाहिए। जब वो जेंट्स होकर के अरविंद भाई इतना कुछ कर सकते हैं, उनकी पार्टी इतना कुछ कर सकती है, तो हम महिलाओं को भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैम, क्या आप इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के से जुड़ी हुई है और क्या उनके कुछ पदों पर भी हैं? हाँ विशाली, मैं आम आदमी पार्टी के इस वक्त किसी पद पर तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पद थे आम आदमी पार्टी के। जैसा कि अभी ये CTI बना है, CTI पहले विमेन ट्रेड विंग, आप विमेन ट्रेड विंग था और उसमें मैं जिला अध्यक्ष थी इनकी वेस्ट दिल्ली से। इसके अलावा मैं जनकपुरी विधानसभा से ग्रीवेंस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, पर अभी फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी से मैंने थोड़ा सा दूरी बनाया था, क्योंकि मैं 2016 में मुझे ब्लड कैंसर हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। कुछ अपने बिजनेस की अपनी को भी बंद करना पड़ा, मीडिया हाउस भी बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं फिर सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी। 16 साल से ऑलरेडी मुझे अस्थमा था, बहुत बीमार रही थी मैं, और सडनली मुझे जब 2016 में ब्लड कैंसर बताया गया तो मेरे को एकदम से शॉक लगा और मैं उस टाइम में मेरे को पार्टी से मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। तो तभी मैं एक इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ जुड़ी मैं, और वहाँ पर मुझे पता चला कि उनके पास ऐसे ऐसे आयुर्वेदा प्रोडक्ट हैं जो दुनिया की हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेडिसिन नहीं है कोई, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। जैसे हमें डेंगू में हम अपने पेशेंट को एडमिट करा देते हैं और साथ में हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहते हैं ताकि वो जल्दी से क्योर हो जाए, तो ऐसे ही इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बीमारी को ठीक करने में हमें हेल्प करते हैं। तो उनका एक प्रोडक्ट है आईपल्स, जिसको मैंने अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ यूज़ किया और मेरा ब्लड कैंसर पूरी तरीके से क्योर हो गया। मतलब जो आप हेल्थ सप्लीमेंट ले रही है इसकी वजह से आप अब बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं इसके अलावा बाकी लोगों को भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ताकि वो भी अपने आप को क्योर कर सके, अपनी बीमारियों को क्योर कर सके। आप जो समाज सेवा कर रही है तो इसमें आपने कभी रोजगार को लेकर कुछ कदम उठाया है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो वैशाली हमारे यहाँ रोजगार का ही है। हमारा युवा आज का इतना पढ़ लिख गया है, MBA कर रखा है, PhD कर रखा है, पर हमारी सरकारें उनको नौकरियाँ देने में सक्षम नहीं है।
चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि एक्चुअली हमारे एम्प्लॉय की नहीं, आज के ज़माने में जो हमें हिंदुस्तान में एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, मेरा मानना है, अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाना है तो हमें एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना है। और उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान यही है कि इंडस वीवा एल सेंसिस प्राइवेट लिमिटेड जो है आपको न केवल ठीक करता है, बल्कि मैं उसकी उनकी तरफ से उनको रोज़गार भी प्रदान करती हूँ, अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप हम उनको देते हैं और इसमें वो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा कदम उठा रही है बेरोजगारी को लेकर के खासकर, और इसमें इनकम कितनी, मतलब कि कितनी इनकम उनकी हो सकती है जो इनसे जुड़ेंगे? वैशाली, इसमें डिपेंड करता है कि वो कितना काम करते हैं, 5,000 रुपये हफ्ते से लेकर के 5,00,000 रुपये हफ्ते तक भी वो कमा सकते हैं। इस काम में या किसी डिग्री की ज़रूरत है या किस तरह की पढ़ाई लिखाई इसमें मतलब चाहिए? नहीं वैशाली, इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, केवल 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे कोई महिला हो या हमारे आज के युवा हो, हमारे स्टूडेंट हो, हमारे कोई भी जो एक्स्ट्रा अपनी इनकम चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो फुल टाइम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाना भी गाती है और आपका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो आपका उस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सुमन गुप्ता 20 सिटी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप यूट्यूब पर टाइप करके आप उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए जाते जाते इनका एक क्लिप दर्शकों को दिखाते हैं। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।